कर लेते हैं हल्द्वानी की। बनफूलपुरा में कर्फ्यू से बड़ी राहत मिली है। सुबह 6 से अब शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। मेडिकल जनरल स्टोर खोलने की अनुमति मिल गई है। लाइन नंबर किदवाई नगर में राहत मिलने वाली है। मलिक का बगीचा इंदिरा नगर में भी राहत मिलेगी। गौजा जाली रेलवे बाजार में सुबह 6 से रात के 8 बजे तक छूट दे दी गई है। 8 फरवरी के बवाल के बाद फिलहाल बनफूलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब जैसे जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं वैसे वैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। और हल्द्वानी हिंसा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बनफूलपुरा हिंसाकांड के 9 फरार आरोपी मोस्ट वांटेड घोषित कर दिए गए हैं। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक मोस्ट वांटेड घोषित किया गया है। साथ ही मलिक का बेटा मोइद भी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल हो गया है। पुलिस ने सभी 9 फरार आरोपियों की मोस्ट वांटेड पोस्टर के साथ लिस्ट जारी कर दी है और इनके पोस्टर लगाए जा रहे हैं। 8 फरवरी को हुई हिंसा में इन सभी की प्रमुख भूमिका रही है और पुलिस को इनकी तलाश है। अब पोस्टर के जरिए कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन सभी की गिरफ्तारी हो पाए। और हल्द्वानी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई भी अब शुरू कर दी गई है। अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्क करके कल पुलिस की टीम उसके घर पहुंची थी। अब्दुल मलिक अरबों की संपत्ति का मालिक है। मलिक कॉन्ट्रैक्टर होने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और खनन का भी बड़ा कारोबारी है। मलिक समेत फरार सभी 9 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। कोर्ट ने इसके लिए परमिशन दे दी है। इन फरार 9 आरोपियों में मलिक का बेटा अब्दुल मोइन और पार्षद शकील अंसारी का नाम भी शामिल बताया जा रहा है, यानी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह साफ संदेश दे दिया है, जो भी इसमें आरोपी है उनके खिलाफ अब कुर्की की कार्रवाई होगी। खासतौर पर अब्दुल मलिक और उसके बेटे पर बड़ा प्रहार किया गया है।